माइंड वॉश होगा वो परीक्षा देगा, पेपर लिखेगा तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देख लें। तो इस प्रकार का प्रोग्राम अपन को करना चाहिए, इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, जात जड़ूला उतारना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, सीकर जिले में इस देश को आजाद हुए कितनी साल हो गई आपको सबको पता है, और 55 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश पे, और बाबा साहब के नाम से रोटियां छेकी है कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने रोटियां खाई है, लेकिन कभी भी सुध नहीं ली कि बाबा साहब की कोई जिले के अंदर मूर्ति लगाई। सबसे पहले कोई सीकर हेडक्वार्टर पे मूर्ति लगाई, मैंने संघर्ष किया जब पहली बार विधायक बना था, विधानसभा में गलियों में घूमता रहा, अधिकारियों के आगे पीछे घूमा, और प्राइम लोकेशन पे उनके नाम से जमीन अलॉट करवाई, और वहां मैंने मूर्ति बना करके और वहां मूर्ति लगवाई और पूरे जिले के लोगों को इकट्ठा किया। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि इन बातों को समझने की आवश्यकता है, कौन अपना है कौन पराया है, कोई जाति से नहीं होता है, काम अच्छा कौन करता है कौन नहीं करता है। कल की घटना आपके पाटन की, 2 बच्चे थे इसी के, हरियाणा के रहने वाले थे, उनकी यदि बात सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। एक बच्चा जिसके कोई मां नहीं बाप नहीं कोई नहीं, दूसरा बच्चा जिसके पिताजी 7 महीने से खाट पे पड़े, 7 साल से खाट पे पड़े। मेरे को कल रात को पता चला, परसों रात को, कि इस प्रकार की घटना हो गई हरियाणा के तेरे मोचड़ी के अंदर, 2 डेड बॉडी पड़ी। मैंने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कहा कि साहब हरियाणा के थे, अपना क्या लेना देना इसमें। अरे मैंने कहा किसे हरियाणा के हो, चाहे कहां दिक्कत आ गई है, तो देश के ही हेल्प करनी चाहिए। अधिकारियों ने हाथ नहीं मिलने दिया। मैंने ये खटाना जी बैठे, इनको सबको टीम लगाई, केदार जी सैनिक को इनको कहा कि आप व्यवस्था करो और सुबह सब धरने पे बैठो। ये सारे लोग मंत्र करके और वहां धरने पे बैठे, जब इनको 3-3 लाख रुपए मैंने दिलवा करके भेजा है, और वो ही नहीं राजस्थान सरकार से लिखवा के रिकमेंड करवा के भेजा है हरियाणा सरकार को कि इनके परिवार में एक एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जिसकी माई थी उसको मुकदमा दर्ज किया जाए कि उसने सेफ्टी नहीं की, ध्यान नहीं दिया, माइंस में पानी भर गया और वो बच्चे उस कारण से डूब के मर गए वहां। तो मेरी सबको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, अपना वो ही है जो अपने प्रति भाव रखे, और जो अपने प्रति भाव नहीं रखे वो अपना भी किस काम का है। कोई जाति का होना ही कोई अपना नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, सुनना है इसको ध्यान देकर के। कोई बाजार के अंदर सब्जी बेच रहा है और 3 दिन की सीढ़ी हुई सब्जी है उसके पास, और आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहां मार्केट से वो 3 दिन की गली हुई सब्जी खरीद लेंगे क्या? आप ही की जाति का है वो बेचने वाला। आप कहेंगे नहीं भैया ताजा लेंगे तो गली हुई है। और जब बोर्ड का मामला है, जबकि मांगे तो सगा जी को टेलीफोन आएगा, मांगे तो जाति को खड़े हो गो, मतलब कुछ गली हुई सब्जी से भी सस्ता मान करके आप इस बोट को दे देते, जबकि बोट एक ऐसी चीज है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य स्योर करती है, उनका भविष्य कैसे खराब हो, इसलिए बोट की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी महत्वता है। और बोट को जाति से धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे कोई पार्टी से भी नहीं जोड़ना चाहिए। मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी यदि पार्टी गलत टिकट देके भेज दे तो उसको भी वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्र की सेवा करे, क्षेत्र के बीच में काम करे, लोगों की सेवा करे, इस प्रकार का काम करना चाहिए। पिछली 5 साल के अंदर राजस्थान में कभी देश आजाद होने के बाद में नहीं हुआ ऐसी कि बच्चियों के साथ इतना बड़ा बलात्कार हुआ, इतने मुकदमे दर्ज हुए। तो ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, कभी आज तक नहीं हुआ जितना न्याय पिछली 5 साल में हुआ।
तो इन चीजों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। ये तो प्रजातंत्र है, इसमें किसी की बाप की बापोती नहीं है, कोई राजा महाराजाओं का राज नहीं है कि बेटा गद्दी पे बैठेगा, बाप मर गया तो। यहाँ तो हर तीसरे दिन चुनाव में वोट लेने की जरूरत पड़ती है, कभी एमएलए का हो गया, कभी एमपी का हो गया, कभी पंचायत का आ गया, नगर पालिका का आ गया, बैंक का आ गया, कोऑपरेटिव बैंक का आ गया, तो हमेशा चुनाव की जरूरत पड़ती है। जो आदमी आपकी मदद नहीं करे, आपके लिए अच्छा काम नहीं करे, तो उसको तख्ता पलटना चाहिए। और अच्छे लोग चाहे किसी भी जाति बिरादरी को हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना। जीवन में मनुष्य के तीन पन्ने होते हैं, लास्ट बात के मेरी बात को विराम दूंगा। तीन पन्ने होते हैं मनुष्य के। मनुष्य जब इस धरती पे पैदा होता है तो फर्स्ट पन्ने पे लिखा जाता है कि आज इस तारीख को इतनी बजे इतनी सेकंड में लड़का या लड़की नाम बाद में कटाते एक पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि जब उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इसका स्वर्गवास हो गया। और वो पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है। एक बीज का पन्ना होता है। बीज का पन्ना वो होता है कि जब व्यक्ति धरती पे पैदा होकर के उसका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उसने क्या क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीज के पन्ने पे अंकित होती है। और इसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं कि गांव में कोई बूढ़ा मुजरक चला गया, स्वर्गवास हो गया, और अपन दाह संस्कार में जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में माता बहने नहीं जाती, लेकिन ढाणी बांध बांध के अपन पांच इधर, दो इधर, दस इधर बैठ जाते हैं। दाह संस्कार होता रहता है और उस टाइम पे अपन चर्चा करते हैं, आदमी बहुत भला था भाई, गांव में न्याय की बात करता था, लोगों की सेवा करता था। वो उसके पन्ने पे लिखे हुए है ना, उसको अपन बैठे बैठे धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। और हर गांव के लिए एक आधा उठाईगरा भी मिल जाएगा। जो गांव ने टांके डोरा के कणा थाना में, कणा तहसील में, कणा कटेर, कणा कटे, यहां का आदमी को स्वर्गवास हुए, जना परिवार के नाते, जाति के नाते, गांव के नाते दाह संस्कार में जानू पड़े। लेकिन जगह वे दाह संस्कार में जाए ने वे डाणी बांध बांध बैठे एक जगह धीरे धीरे चर्चा करें। अरे बढ़िया रही सत्यानाश जाए को चले गए, सारा गांव ने दुखी राख। तो ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी न किसी रूप में आप यदि किसी दूसरे की मदद कर सकते हो, अपनी तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है खुद की, अपने बच्चों को पालना ही पड़ेगा, अरे लेकिन दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। अरे यदि आप दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों को परेशान तो मत करो। ये इस प्रकार का काम हर आदमी को करना चाहिए। ये बीज का पन्ना जो मैंने आपको बताया अभी, बाबा साहब ने उस बीज के पन्ने पे लिखाया है। भीमराव अंबेडकर बीज के पन्ने पे। ये जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये जिंदे रहेंगे, अमर रहेंगे, आप और हम जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जब कोई पल्ले हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन पन्ना पलटोगे तो बाबा साहब का नाम उन पन्नों में हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको देवताओं के रूप में पूजना चाहिए, मानना चाहिए, जात जड़ूला उतारना चाहिए, उसी गमी में याद करना चाहिए। हर तरह से अपन को इसको जोड़ोगे जब अपना काम चलेगा। धर्म के साथ की बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक उदाहरण दे रहा हूं आप। धर्म के साथ जोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं कि 140 करोड़ का देश, इस देश में आज के 1400 साल पहले विश्व में कहीं भी निवाज नहीं फड़ी जाती थी, कोई निवाज जानता ही नहीं था कि निवाज क्या होती है। लेकिन मोमडंस के जो बुजुर्ग थे वो 1400 साल पहले एडवांस थे, होशियार थे, और उन्होंने इस योगा को हाईजेक करके और निवाज का नाम दे दिया और पूरे विश्व में अपने समाज को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है, पांच वक्त की निवाज अदा करनी चाहिए।
और एक आपको बता दूं कि अपने देश में जो 140 करोड़ का देश है, यह आंकड़े रख रहा हूं ना कि भाषण दे रहा हूं, इस देश में जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जो होना चाहिए उससे ज्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में ज्यादा जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सरकारी हो, सरकार के पास सब आंकड़े होते हैं। और एक अपने मोहम्मदन भाई है इस देश में, जितनी उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है कि इस देश में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, खुली आब हवा मिलती है उनको, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता। और अपने मोमडन भाई इस देश में ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजस्टेड एरिया होता है, खाना खाते हैं, वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। और वहां उनके मोहल्ले में सही तरीके से खड़े नहीं रह सकते, उसके बावजूद भी वो बीमार कम होते हैं। लेकिन उसका कारण एक ही है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, कि आदमी 24 घंटे में एक बार कैसे भी पसीना निकाल ले। मैं गारंटी से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, भगवान उसकी सही 80 साल लिखे तो 100 साल पहले नहीं जाएगा। तो मोमडन के बुजुर्ग होशियार थे, 5 वक्त की नमाज, आपका जरूरी काम हो, आपके गांव में घर में कोई मोमडन आया हुआ है और नमाज का टाइम हो गया तो वहीं तौलिया बिछा करके अपनी नमाज अदा करेगा। एक रामदेव बाबा का चैनल आता है आस्था, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे कहने से देखना, उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं। और एक मोमडन भाई को, नमाज पढ़ने वाले को देखना, सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे रामदेव बाबा बताता है वैसे ही मोमडन की नमाज पढ़ी जाती है। तो जो व्यक्ति 5 बार पसीना निकाल दे नमाज के माध्यम से, तो वो हॉस्पिटल में भी नहीं जाएगा, दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी एक बार 24 घंटे में, अपन तो गांव में रहने वाले, खेती बाड़ी में काम कर लो, खाई लगा लो, और कोई काम कर लो, और बाप जी को इधर ही ठालो माड़ी जी है तो योगा कर ले, एक बार पसीना निकालो कि कभी बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। एक जमाना था जिसको आपने हमने सबने देखा, यहां दादी माँ भी कोई बैठी होगी, 4 बजे उठती थी, बुआरा निकालती थी, चक्की के ऊपर आटा पीसती थी हाथ से, बिलोना हाथ से बिलोती थी, और चकले पे मिर्च अपने हाथ से बांटती थी, राबड़ी बनानी होती तो वो उकड़ मुसल के अंदर धान कूटती थी, तो उनकी अपना आप ही एक्सरसाइज होती थी। आज डिलीवरी का मामला है, पहले सबको पूछ लो, गांव में एक एक दाई माई होती थी और सारा गांव की वो एक लेडीज डिलीवरी करवाती थी, और अब जब डिलीवरी का मामला है तो सब लोग 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हॉस्पिटल में लेके भर्ती कराते हैं, लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए लग जाते हैं डिलीवरी कराने के। तो जब तक अपन पसीना नहीं निकालेंगे, काम नहीं करेंगे, तो बीमारियां भी आएगी और भी सब कुछ होगा। देश के प्रति भी थोड़ी भावना रखनी चाहिए, जिस देश में अपने बैठे, अरे देश अपना नहीं रहेगा तो अपन कहां से रहेंगे। आज विश्व का क्या हाल हो रहा है, चाहे यूक्रेन में आप गांव देख ले, इंग्लैंड में, और आप चाहे यहां हमास में और इजराइल में देख ले क्या हो रहा है वहां। और ये चिंगारी कभी भी पूरे विश्व में फैल सकती है, और जब ये मिसाइलें पड़ेगी ना, आया है कि दड़े ही दड़े ही ना, ना तो कोई जमीन काम आओगी, ना माता बहन आदि आदि किलो सोना पेरा घुमा के कोई काम में को नहीं आओगे, अरे गाड़ी घोड़ा कोई कई काम में को नहीं आओगे। इसलिए थोड़ो बहुत काम देश के प्रति भी करो, देश के प्रति भी भावना रखो। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि कम से कम देश का जब चुनाव आए उस टाइम पे आपको इस दलदल की राजनीति से ऊपर उठ करके, और हमारे देश को सुरक्षा कौन दे सकता है, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे लोगों को आगे रखोगे तो देश सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियां अपने बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और यदि भावनाओं में बह करके
और इसी प्रकार से जाति फाति पार्टियों के चक्कर में वोट डाल दिए, दुर्भाग्य से कोई गलत आदमी के बांद्रा के हाथ में उसरा दे दिया। तो आपको आज कह रहा हूं जो पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है वो देख लेना। इसलिए मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसी प्रकार से करना आप लोगों को भी। अरे कोई वहां बॉर्डर पे जाके लड़ने की जरूरत नहीं है। गांव में सरकार ने नालियां बना दी, रोड बना दी, दो आदमी गांव के सुबह उठ करके आप सोचोगे उसी जाति का आदमी आएगा और वही नाली साफ करेगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, चाहे राज कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। दो आदमी गांव के उठ करके सुबह कोई लकड़ी हाथ में लेके नालियों को साफ कर दिया, कोई कचरा प्लास्टिक का पड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इससे बड़ी कोई देश सेवा ही नहीं हो सकती। किसी की बच्ची की शादी है और आप दो आदमी गांव के पांच आदमी कार्यकर्ता ऐसे जवान जाकर के वहां पातल उठाने लगे, बरातियों को जिमाने लगे, इससे बड़ी क्या देश सेवा हो सकती है? बच्ची के माता पिता जीवन में आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और जो इस प्रकार की सेवा करते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप चाहे आज के जा रहा हूं सोनपुर, आप दो आदमी चार आदमी इस प्रकार का दो घंटा काम कर लो, सुबह ज्यादा की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सरपंच में हरा दे, आपको पंचायत समिति में हरा दे, जिला परिषद में हरा दे। गांव वाले कहेंगे रे बेचारे नाली साफ करते थे सुबह उठ उठ करके। नाली साफ करने वाला आदमी कोई छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है। और कैसे होता है उसका भी उदाहरण दे रहा हूं आप। जब बच्चा पैदा होता है और जब वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तो सेवा कौन करता है? मां करती है, उनकी गंदगी साफ करती है और उन्हीं हाथों से अपने को खाना खिलाती है। तो अपनी मां क्या गंदी हो गई क्या? तो इस प्रकार का काम अपने सब लोगों का करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम देश के लिए भी अपने को निकालना चाहिए। और देश की एक छोटी सी बात कहकर के लास्ट बात कहकर मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आज के 26 साल पहले मैं एक पोलैंड कंट्री में गया था। एक विनोद जी है झुंझुनू के, वो मेरे साथ थे। हम रात को मकान पे खाना खा के सो गए। सुबह वो मकान की मालकिन थी लेडीज, वो हमको ड्राइविंग कर रही थी, खुद माने घुमावा ले जा रही। जब मैं गाड़ी में चल रहा, एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, एक लिंक रोड आई, वो अंदर गई 3 किलोमीटर, एक पंप से तेल लिया, वापसी उसी रोड से वाणी लग गई। मैंने देखा इसने और कोई काम तो किया नहीं। हाईवे पे मैंने एक पेट्रोल पंप देखा तो मैंने उसे, मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं, तो मैंने मेरे दोस्त को कहा विनोद जी को, यार आप बात करो इसे, इसने सिर्फ तेल लिया तो अंदर क्यों गई, मेन रोड पे ही पेट्रोल पंप। उसने क्या किया वो सुन लो आप। उस लेडीज ने कहा ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया कि 20 रुपए भी बचे तो हमारी कंट्री को ही बचे, हमारी कंट्री का पैसा दूसरी जगह क्यों जाए। वो कंट्री उस टाइम पे अलग बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है। आजकल तो मोबाइल पे और पे सब पे इतिहास आप देख सकते हो कार्ड करके। ब्रेड खाने के लिए नहीं थी, रोटी तो वहां जी कंट्रियां अलग बनती है तो बहुत बुरा हाल होता है। ब्रेड नहीं थी खाने के लिए, तरसते थे लोग, लाइन में लगते थे, दूसरी कंट्रियां मदद करती थी। और आज वो कंट्री 25-26 साल के अंदर हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लेके खड़ी करती। अरे एक अपना देश है जिसमें आप और हम रहते हैं। जब ये देश आजाद हुआ था तो अमेरिका के बराबर अपनी हिंदुस्तान की करेंसी थी। आज अपन कहां खड़े हैं? हिंदुस्तान का 84 रुपया, अमेरिका का 1 रुपया बराबर। हिंदुस्तान का आदमी 10 लाख रुपए लेके अमेरिका जाएगा किसी काम से तो 8 महीने में उसको वापसी आना पड़ेगा, और वहां का आदमी 1 लाख रुपए लेके आ जाए तो 6 महीने तक 5 स्टार होटलों में घूमता रहेगा, क्यों 1 रुपया का 84 रुपया मिले। तो ये हाल 55 साल जिन पार्टी ने राज किया है ना लगातार, उनके कारण से ये हाल हुआ। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जिनको आया जाना भी है मैं भी जाऊंगा आप भी जाएंगे, जिस दिन ये देश की जनता उनको बख्शेगी, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो और चाहे उस टाइम के पॉलिटिकल नेता हो, इस देश को लूट के खाने में लगे रहे, बर्बाद करने में लगे रहे, ये देश
ग्यारहवें नंबर पे था, आज पांचवें नंबर पे आके खड़ा कर दिया इकोनॉमी के मामले में। लोग कहते हैं कि माघे के मोदी वोट गिरे गए, अरे वोट गिरे बोरी गिरे गए, इससे बड़ी बोरी के उसके। ग्यारहवां नंबर से पांचवें नंबर पे जमीन का भाव मोदी के आने से पहले क्या था, आज भाव क्या है? ये बोरी तो है, जो लाख रुपए गज की जमीन थी वो आज 2 लाख रुपए गज की हो गई, लाख रुपए बिगा की थी वो 3 लाख रुपए बिगा की हो गई, यही तो बोरी है। बच्चों को मौका मिल रहा है, पढ़ने का मिल रहा है, सर्विस में जाने का मिल रहा है, दुनिया भर की प्राइवेट एजेंसियां नौकरियां इतनी हो गई, कोई इतनी मारी जिया निठलो हुए भी को तो कोई इलाज नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ ले तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है, घनी नौकरियों की लाइन आई। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि पढ़ना चाहिए, शिक्षा सबसे बड़ी जो कोई चाबी है तो वह है शिक्षा। मैं एक बार पहली बार विधायक बना, एक भुजियावाड़ा गांव है, आपकी भी रिश्तेदारी होगी, मैं वहां गया उद्घाटन करने, स्कूल का उद्घाटन करके नीचे उतरा तो मेरे को दो व्यक्ति थे मेरे घर चाय पीने चले गए, हट किया, उनके घर की तरफ मैं रवाना हो गया। थोड़ी सी दूर आगे गया तो मैंने बिल्डिंग देखी जैसे कोई जयपुर में बंगला हो, वहां कल्पना नहीं कर सकते आप, हम नीमका थाना में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है। मैंने उनको पूछा कि आप क्या काम करते थे, जब तक उनके पिताजी आ गए, बोले ये मेरे पिताजी। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते थे, 4 बेटे हैं उनके, 2 डॉक्टर 1 इंजीनियर 1 व्यापार करता है, घर में बहुएं आई है 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर। तो उनके पिताजी को मैंने पूछा कि आप क्या करते थे, तो उनका मैं बाजौर साहब ईंट भट्टा पे ईंट थापता था पंजाब में, एसी का हूं बड़ा तो घर में अंदर घुसे 20-20 लाख रुपए की 3 गाड़ियां खड़ी। अरे 8 गजिस्टर्ड अफसर जिस परिवार में 7 हो गए तो 5-7 लाख तो तनख्वाह में आवे, अरे अधिकारियों के ऊपर नीचे की बीमारियां और हुए तो क्या उनके क्या फर्क पड़े। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा सबसे बड़ी बेस्ट है, चाहे दुख पाओ सुख पाओ कोई भी परिस्थिति हो, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ा करके और सरकार के कहीं ना कहीं गल जाए, कोई आईएएस आईपीएस बन जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो सारा गांव का भला हो जाता है, एक अफसर ऐसा बनता है। और वो भी नहीं करो तो कम से कम छोटी मोटी नौकरी कहीं दानदार पटवारी ग्राम सेवक टीचर लग जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने बुलाया मान सम्मान किया ये साफा बनाया इसके लिए तो धन्यवाद। और कोई बात है नहीं भी मानो तो बाबा साहब की पूजा पाठ तो करता रहिए, आंखों तो ध्यान रख जो, राम राम।